जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश यादव, आपका फिटनेस ट्रेनर एंड कोच। आज हम बात करेंगे वेट लॉस डाइट के बारे में। जो लोग जिम जाते हैं वो अपने सिक्स पैक बनाना चाहते हैं, और कुछ लोग अपने घर पे रह के भी डाइटिंग करते हैं और अपना वेट लूज करते हैं। तो कौन सी डाइट खाएं और लोग बाग क्या क्या गलतियां करते हैं या क्यों नहीं अपने सिक्स पैक बना पाते, आज हम आपको एक ऐसी डाइट प्लान बताएंगे जिसको आप फॉलो करके आप एक अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं और अपने सिक्स पैक भी बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घर में रह के जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उस डाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम जो है ब्रेकफास्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लंच के बारे में बात करेंगे, फिर हम डिनर, और लोग बाग क्या क्या गलतियां करते हैं और मेरे एक्सपीरियंस क्या रहे, इन सब बातों के बारे में हम इसमें बताने वाले हैं। भी लोग डाइटिंग करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि दो टाइम का खाना खाते हैं, लंच और डिनर, उसको भी स्किप करना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर के अंदर खाने से न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं, वेट तो लॉस हो जाता है लेकिन काफ़ी नुकसान भी होता है। अभी मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया कि मैंने 10 से 12 केजी वेट लॉस किया, मैं रोज़ 5 किलोमीटर की रनिंग लगाता था और वेट तो लॉस हो गया उसका, लेकिन उसने बताया कि मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा। अब घुटनों में दर्द रहने के कारण से उसकी रनिंग लगाना बंद हो गया। धीरे धीरे करके वो बता रहा था कि इसको जो है चलने में भी दिक्कत होने लगी है, अब उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है। ऐसे करके जो है ना उसके जो है थोड़ी सी बालों में भी समस्या आ गई, बाल भी झड़ने लगे उसके। तो जो लोग घर में रह के डाइटिंग करते हैं वेट तो लॉस हो जाता है, लेकिन जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन की कमी उनके अंदर आ जाती है। तो मैं आपको एक ऐसी हेल्दी डाइट बताने वाला हूँ जिससे आपका वेट भी लॉस होगा और आपके शरीर के अंदर कोई कमजोरी, दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बारे में। हम लोग अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स हम जरूर ऐड करें। जो लोग मैन आदमी के लिए जो है मैं बताना चाहूँगा कि 10 से 15 बादाम की गिरी भिगो के रखें, और अखरोट 1 से 2 अखरोट ये सवेरे जो है सबसे पहले इसको लें, ताकि जो है इससे हमारे को अच्छा न्यूट्रिशन एक मिल सके। और जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को जो है 8 से 10 गिरी बादाम की भिगो के रखना है और उसको छील के खाना है बादाम को, बगैर छिले नहीं खाना उसको। और अखरोट सिर्फ एक पूरा अखरोट की जो गिरी छील के निकलती है वो हम फीमेल्स खा सकती हैं। सबसे पहली मील में हम इसको कैरी कर सकते हैं। तो मॉर्निंग की जो हमारी सबसे अच्छी मील है उसमें हमारे को एक हेल्दी न्यूट्रिशन मिल गया। इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा नेक्स्ट हम 2 से 2.5 घंटे बाद हम एक और हम जो है ब्रेकफास्ट मील लेंगे अपनी, जिसके अंदर जो है हम थोड़ा सा स्प्लाउट्स के अंदर जो है भीगी हुई दालें ले लें हम, उसके अंदर भी थोड़ा सा जो है हम फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, थोड़ी सैलड भी लेनी है हमारे को क्योंकि हमारे को फाइबर की भी ज़रूरत है, तो हम खीरा साथ में ऐड कर सकते हैं उसके। या फिर जो है इसकी जगह हम जो है थोड़ा सा ग्रीन टी भी हम जो है ले सकते हैं, या हम जो है नेचुरल जो हमारा नारियल पानी होता है ये भी हमारे वेट लॉस करता है, तो इसके भी जो नारियल पानी भी हम पी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लंच। लंच के अंदर हम जो है हमारे को टोटल जो है ना अपनी कैलोरीज काउंट करके लेनी है। हमारे को मेल पूरे दिन के अंदर जब भी वेट लॉस की जर्नी कर रहे हैं तो 2000 कैलोरी तक जो है हम खा सकते हैं। तो जितनी भी मैंने ये अभी सुबह की डाइट बताई है इसके अंदर आपको 500 से 600 कैलोरी आप जो है
आपको मिल जाएंगी खाने से। लंच जब भी आप करोगे तो आप 550 से 600 कैलोरी का एक लंच कर सकते हो, जिसके अंदर जो वेजिटेरियन लोग हैं वो कोई भी ग्रीन सब्जी, कोई भी जो वेजिटेबल है या बॉइल्ड जो है वेजिटेबल, जिसके अंदर जो है आप गाजर, शिमला मिर्च या फिर बीन्स या फिर हरी वाली प्याज होती है, इसको भी आप जो है बॉइल्ड करके, गोभी होगी, ब्रोकली होगी, इन सबको जो है आप उबाल के थोड़ा सा हल्का सा फ्राइड करके आप जो है खा सकते हो। साथ में आप कर्ड ले सकते हो, दही ले सकते हो या फिर छाछ ले सकते हो, थोड़े से या तो चावल या फिर दो रोटी, पतली दो रोटी, जो नॉन वेज खाते हैं तो वो अपना जो है थोड़ा सा इसके अंदर जो है हरी सब्जी की जगह जो है चिकन ले सकते हैं, बॉयल्ड चिकन या फिर फिश ले सकते हैं, ताकि जो है नॉन वेजिटेरियन भी जो है अपना डाइट। लेकिन हमारे को कैलरीज का ध्यान रखना है, हमारे को ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है इसके अंदर, ऑयल हमारे को अवॉइड करना है, मसाले हमारे को अवॉइड करने हैं, हमारे को बॉइल्ड चीज़ें खानी है। तो ये हमारा जो है लंच का हो गया। इसके बाद रात को जब हम जो है रात का जो हमारा डिनर होगा उसके अंदर हमारे को थोड़ा लाइट खाना लेना है, तो हम लोग जो है ओट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स, आजकल जो है मसाला ओट्स आ रहा है तो उसके अंदर थोड़े वेजिटेबल मिला के, और सैलेड जरूर लें। सैलेड हमारे को थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि सैलेड के अंदर हमारी कैलरीज कम होती है और हमारे को फाइबर पूरा मिलेगा, पूरा फाइबर हमारे को ज़्यादा लेना है। तो ये हम जो है शाम की डाइट, और साथ में जो है हम ओट्स की जगह हम जो है थोड़ा दलिया भी ले सकते हैं, सैलेड जरूर रखनी है साथ में, और दलिया या फिर किनवा, किनवा भी ले सकते हैं, वेजिटेबल जो डाल के हम किनवा भी कैरी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी डाइट है, एक हेल्दी डाइट है। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो जिम जाके अपने सिक्स पैक्स ऐप बनाना चाहते हैं या अपने फिटनेस को फिट रखना चाहते हैं अपने बॉडी को, तो उस डाइट के बारे में मैं सिंपल डाइट आपको एक बता रहा हूँ। इसको जो है अपना कर आप जो है अपनी फिटनेस भी मेंटेन कर सकते हैं, अपने मसल्स भी ग्रो कर सकते हैं, साथ में अपने सिक्स पैक भी बना सकते हैं। मॉर्निंग डाइट से सबसे पहले हम जो है ड्राई फ्रूट्स जरूर लें अपनी डाइट के अंदर, और ड्राई फ्रूट्स के अंदर हम जो है बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, फ्रूट्स जरूर कैरी करें मॉर्निंग डाइट में। जो है जो लोग सुबेरे वर्कआउट करते हैं तो कार्ब्स जरूर लें, कार्ब्स के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब ले सकते हैं, थोड़ा सा जो है फ्रूट्स से ले सकते हैं हम लोग, और जूस ले सकते हैं, फ्रेश जूस। सेकंड जो है वर्कआउट करने के बाद तुरंत बाद जो है हमारे को या तो प्रोटीन पाउडर लें, जो लोग प्रोटीन पाउडर नहीं ले सकते हैं वो लोग जो है नॉन वेज जो खाते हैं तो वो अंडे जरूर लें, एग्स वाइट। बॉडी वेट के हिसाब से जो है अगर मान लो आपका 100 kg वेट है तो कम से कम 10 अंडे आप जरूर लें, और जो लोग वेजिटेरियन लोग हैं तो वो टोफू पनीर ले लें या फिर जो है थोड़ा स्प्लाउट्स ले लें या फिर जो है सोयाबीन की बढ़िया जो होती है उससे भी हमारे को प्रोटीन मिल सकता है, ये हम वर्कआउट के बाद जरूर लें। लंच के अंदर जो है हम लोगों को थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन का हमारा सोर्सेज जो है हम लोग जो है थोड़ा सैलेड के अंदर जैसे ब्रोकली होता है, ब्रोकली हम खा सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, दही जरूर लें हम, दही या छाछ ले लें, थोड़ा सा दही ना ले तो, और साथ में जो है हम थोड़े से ब्राउन राइस ले लें, और कोई भी वेजिटेरियन लोग हैं तो जो भी नॉर्मल जो सब्जी होती है घिया की तोरी की वो सब्जी जो है नॉर्मल जो बनती है वो ले सकते हैं, लेकिन जो है ज़्यादा कैलरीज ना लें उसके अंदर, मसाला ज़्यादा ना खाएं। इसके बाद सिंपल शाम को जो है शाम को फिर जो है अपनी मील्स को रिप्लेस करें, थोड़ा सा हम 4-5 मील हम जरूर लें, और कोई भी चीज़ लेनी तो थोड़ी क्वांटिटी में लेनी है हमारे को, ज़्यादा नहीं हमारे को खाना। तो शाम को भी जो है हम लोग जो है एग्स ले सकते हैं जो लोग नॉन वेज खाते हैं, और सैलेड ले सकते हैं साथ में, सैलेड बना सकते हैं, और जो लोग वेजिटेरियन लोग हैं वो अपना जो है सोयाबीन से हमारे को अच्छा प्रोटीन मिलता है तो सोयाबीन की जो है दाल ले सकते हैं, या फिर जो है अपना मूंगफली ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम शाम की डाइट में, और रात का जो खाना वो हमारा लाइट रहेगा। उस लाइट खाने में जो लोग जो वेजिटेरियन लोग हैं वो अपना दलिया, किनवा या ओट्स ले लें, सैलेड जरूर लें हमारे को। रात को रोटी और चावल अवॉइड करें जो लोग, और थोड़ा जल्दी खाएं खाना। इसमें गलतियां क्या करते हैं लोग,
गलतियां क्या करते हैं कि जो है ना प्रोटीन जो है वो एक बार में ज्यादा ले लेते हैं, हर एक डाइट में प्रोटीन नहीं ले पाते, या तो सुबेरे ले लिया या फिर शाम को ले, तो रात को सोते वक्त भी थोड़ा प्रोटीन पाउडर ले लेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा सब लोगों के लिए। इससे हमारा प्रोटीन डाइट भी हमारी जाएगी, प्रोटीन भी पूरा अंदर चला गया और हमारे इससे मसल्स भी बचे रहेंगे और साथ में हमारा जो है वेट लॉस भी हो जाएगा और हमारे सिक्स पैक भी आ जाएंगे। ये डाइट आप फॉलो करके देखिए, नॉर्मल सी डाइट है। इसके अलावा कोई भी डाइट से रिलेटेड आपकी जानकारी है, इंक्वायरी है, तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, हमारे पास डाइटिशियंस हैं जो प्रॉपर जो है डाइट बना के देते हैं अलग अलग लोगों के लिए, एज के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आसानी से कोई भी भाई वेट लॉस कर सकता है, इस वीडियो में हमने आपको एक डाइट प्लान बताया कि इस डाइट को फॉलो करके कोई भी अच्छा वेट लॉस कर सकता है या अपने सिक्स पैक बना सकते हैं जो जिम में जाने वाले लोग हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है सप्लीमेंट के बारे में बताएंगे कि वेट लॉस के अंदर कौन कौन से सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो। ये हमारा स्कॉर्पियो जिम एंड स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल है, ऐसे ही हमारा फेसबुक पे पेज है स्कॉर्पियो जिम एंड स्पोर्ट्स के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है स्कॉर्पियो जिम एंड स्पोर्ट्स के नाम से। हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।